सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के षष्ठ पाठ यानी कि छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मधुराणी वचनानी। मधुराणी वचनानी का अर्थ है मीठे वचन। जो आपके इस पाठ में यह आपके वचन दिए गए हैं, इनको हम सुक्ति भी कहते हैं। यह आपके जो पूर्ण श्लोक होता है उसका कोई अंश होता है जो आपका सुक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपके पाठ में जो आपको सुक्तियाँ दी गई हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से और धैर्यपूर्वक समझिए, क्योंकि सुक्तियाँ आपकी पूर्ण श्लोक में ना होकर आपके श्लोक का अंश होती है, लेकिन जो वह भाव देती है वह आपके पूर्ण श्लोक का भाव देती है। यहाँ पर आपकी पहली सुक्ति है विद्या ददाति विनयम। यहाँ पर आप अपने पहले शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद आप अपने सुक्ति का अर्थ जानेंगे। विद्या, विद्या का अर्थ आप जानते हैं कि ज्ञान, ददाति माने देती है। विनयम, विनयम का अर्थ होता है विनम्रता। जो ज्ञान होता है वह हमेशा विनम्रता को प्रदान करता है या विनम्रता देने वाला होता है। यहाँ पर आपका भावार्थ इन्होंने संस्कृत में दिया है, आप उसको भी एक बार समझ लीजिए। विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्याय, मनुष्याय का अर्थ है आपका मनुष्य के लिए। विनम्रताम, विनम्रता को यच्छति माने देता है। जो विद्या अर्थात ज्ञान होता है वह मनुष्यों के लिए विनम्रता देता है। जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति, अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। जनाः, जनाः का अर्थ है लोगों। विद्यायाः, विद्या से विनम्रतां, विनम्रता को प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होती है। लोगों को विद्या के द्वारा या विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए। विद्यां, विद्या को प्राप्य, प्राप्य का अर्थ है आपका प्राप्त करके। अभिमानम, अभिमानम का अर्थ है अहंकार। मामा ने मत, कुरुत माने करो। लोग विद्या से विनम्रता को प्राप्त करते हैं, इसलिए विद्या को प्राप्त करके कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आपकी पूरी पंक्ति का भाव है कि विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है, लोगों को विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, इसलिए विद्या को प्राप्त करके अभिमान मत करो, या विद्या को प्राप्त करके कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आपकी इस वाली सुक्ति का जो भाव है वह आपका सामान्य रूप से है कि विद्या हमें विनम्र बनाती है। जो व्यक्ति जितना ज्ञान आपका अपने पास इकट्ठा करता है वह व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी यदि अहंकार करता है और उसमें विनम्रता नहीं आती तो हम उसको अज्ञानी ही कहेंगे, क्योंकि आपकी सुक्ति में कहा गया है कि ज्ञान हमेशा हमें विनम्र बनाता है। आपकी दूसरी सुक्ति है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। आप पहले अपने शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद हम अपनी इस वाले मधुर वचनों का अर्थ जानेंगे। यहाँ पर आपका जननी, जननी का अर्थ होता है माता। जन्म भूमि आपकी, जहाँ पर हमने जन्म लिया है वह जन्मभूमि। च, च का अर्थ जानते हैं आप, और यह आपके वाक्य में बाद में लिखा जाता है, लेकिन जो इसका अर्थ है वह आपका पहले प्रयोग होता है। स्वर्ग आदपि, स्वर्ग से भी गरीयसी, गरीयसी का अर्थ होता है आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण या उससे भी बढ़कर। यहाँ पर आपकी इस वाली सुक्ति का अर्थ है कि जो आपकी माता और जन्मभूमि है वह आपकी स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यहाँ पर आपका इन्होंने भावार्थ दिया है संस्कृत में, उसको भी आप समझ लीजिए। जन्मभूमि माता इव अस्ति, जन्मभूमि माता इव अस्ति कहने का अर्थ है कि जो जन्मभूमि है वह माता के समान ही है।
जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जो जन्मभूमि है वह माता के समान ही लोगों का पालन करती है। अस्याः स्थानम स्वर्गात अपि उच्चतरम अस्ति। अस्याः अस्याः कहने का अर्थ है कि इसका स्थानम स्थान स्वर्गात स्वर्ग से अपि माने भी उच्चतर। उच्चतर का अर्थ होता है आपका ऊंचा। अस्ति माने है। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। जन्मभूमि माता के समान है। जहाँ पर हमने जन्म लिया है वह जन्मभूमि माता के समान ही हमारा पालन करती है। इसका स्थान कहने से भाव है कि जो हमारी जन्मभूमि है उसका स्थान आपके स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह आपके इस वाली सूक्ति का भावार्थ इन्होंने दिया है। सामान्य अर्थ में आप कह सकते हैं जो हमारी माता और हमारी जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर कही गई है। अपनी अगली सूक्ति समझ लीजिए, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। सूक्ति में आए हुए शब्दों का पहले आप अर्थ समझ लीजिए। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ आप जानते हैं, जो बुद्धि होती है उसके बारे में कहा गया है। यस्य माने जिसकी, बलम, बलम से अर्थ है आपका जो ताकत या बल होती है, तस्य माने उसका। आपकी सूक्ति का सामान्य अर्थ है जिसकी बुद्धि उसका बल। अब आप अपनी इस सूक्ति का भावार्थ समझ लीजिए, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकं बलम अस्ति। अब आप अपनी इन सभी शब्दों का पहले अर्थ जानेंगे, उसके बाद ही आप अपने भावार्थ को समझेंगे। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ आप जानते हैं कि मनुष्य की बुद्धि से लिया गया है। एव माने ही, मनुष्यस्य मनुष्य का, वास्तविकम का अर्थ है वास्तविक, बलम माने बल, अस्ति माने है। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धया एव मनुष्यः शक्तिं प्राप्नोति। बुद्धया एव से कहने का अर्थ है कि बुद्धि से ही मनुष्य है, मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति, शक्ति प्राप्त करता है। बुद्धि से ही मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सह एव वस्तुतः शक्तियुक्तः अस्ति। अतः माने इस प्रकार, यह माने जो, बुद्धिमानः बुद्धिमान, अस्ति माने है, सह माने वह, एव माने ही, वस्तुतः वस्तुतः कहने का अर्थ है सच में, शक्तियुक्तः शक्ति से युक्त, अस्ति माने है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह ही सच्चा शक्ति युक्त है। भावार्थ का अर्थ है बुद्धि ही मनुष्य का सच्चा बल है। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह ही सच्चाई में शक्ति युक्त है या शक्ति से पूर्ण है। यह आपका इन्होंने भावार्थ इस सूक्ति का दिया है। और आपकी सूक्ति का जो सामान्य अर्थ है वह आपका है जिसकी बुद्धि है या जिसके पास बुद्धि है वह अपने बल का प्रयोग भी अच्छे प्रकार कर सकता है। कहने का अर्थ है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। आपकी अगली सूक्ति है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। आप अपने शब्दों का पहले अर्थ जान लीजिए। सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ है सभी का या सभी के। लोचनम, लोचनम का अर्थ होता है आपका नेत्र या आंखें। शास्त्रम यानी कि शास्त्र, ज्ञान। जो आपका शास्त्र में दिया हुआ ज्ञान होता है वह ही सबके नेत्र कहे गए हैं। जो आपका शास्त्रम शब्द है वह आपके दो अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक आपका जो हमारे ग्रंथ शास्त्र हैं उनके रूप में, और आपका शास्त्र का अर्थ भी इन्होंने ज्ञान से लिया है जो आपके शास्त्रों में बताया गया है। आप अपने इस वाले सूक्ति का पहले भावार्थ समझ लीजिए। शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्राणाम, शास्त्राणाम कहने से अर्थ है कि शास्त्रों का ज्ञानम, ज्ञान को, एव माने ही, मनुष्यस्य मनुष्यों का, वास्तविकम, वास्तविकम कहने का अर्थ है कि सच्चा, नेत्रम माने आंखें, अस्ति माने है,
जो शास्त्रों में दिया हुआ ज्ञान है वही मनुष्यों का वास्तविक आंखें हैं। ज्ञान शक्तिया एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्तिया का अर्थ है कि ज्ञान की शक्ति से एव माने ही मानवस्य मनुष्य का कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होता है। आपके ज्ञान से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। अतः माने इसलिए शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए सदैव माने हमेशा, तत्परा, तत्परा का अर्थ है तैयार, भवेयु माने होना चाहिए। इसलिए हमेशा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपके जो इन्होंने इस सूक्ति का भावार्थ किया है उसका जो आपका पूर्ण अर्थ है उसको आप देख लीजिए कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वही मनुष्यों का वास्तविक आंखें कही गई हैं। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हम सभी को शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह आपका इस वाली सूक्ति का भावार्थ इन्होंने बताया है। और आपकी इस सूक्ति का जो सामान्य अर्थ है वह है आपका जो हमारे शास्त्र हैं वह सभी की आंखें हैं। यहाँ पर जो आपका अर्थ इन्होंने बताया है कि शास्त्रों में जो आपका ज्ञान दिया गया है उससे हम अपने संसार को जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में आपका सांसारिक व्यवहारिक सभी प्रकार का ज्ञान दिया गया है जिनको प्राप्त करने के बाद हम अपने संसार को उसी नजरिए से देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र हमारे आंखें हैं। आपकी अगली सूक्ति है सत्यमेव जयते न अनर्थम। यहाँ पर पहले आप अपने शब्दों का अर्थ जान लीजिए। ये जो आपका सत्यमेव शब्द बना है यह आपके दो शब्दों का मेल है, सत्य प्लस एव। आपके सत्य का अर्थ है सच्चाई, एव माने ही, जयते माने विजय या जय, न माने नहीं, अनर्थम माने झूठ। यहाँ पर आपकी इस वाली पंक्ति का जो सामान्य भाव है वह आपका है सत्य की ही विजय ना कि झूठ की। अब आप अपने भावार्थ को भी समझ लीजिए। संसारे सत्यस्य एव जयः भवति न तु असत्यस्य। संसारे संसार में सत्यस्य सच्चाई की एव माने ही, जय जैसे आपका अर्थ विजय या जय भवति माने होती है, ना तू ना माने नहीं, तू माने तो, असत्यस्य असत्य से अर्थ का है झूठ की। संसार में सत्य की ही विजय होती है ना तो झूठ की। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। अतः माने इसलिए सर्वदा हमेशा सत्यम सत्य, वदन्तु वदन्तु का अर्थ है बोलो, इसलिए हमेशा सच बोलो। आपके जो भावार्थ अर्थ है वह आपका है संसार में सत्य की ही जय होती है ना कि झूठ की, इसलिए हमेशा सच बोलो। यह आपकी इस पंक्ति का भावार्थ है। आपकी पंक्ति का जो सामान्य अर्थ है वह आपका इतना ही है कि सत्य की ही जय होती है ना कि झूठ की। आपकी अगली सूक्ति है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। आप पहले अपनी सूक्ति में आए हुए शब्दों का अर्थ जान लीजिए। माँ माने मत या नहीं, भ्राता भ्राता का अर्थ होता है आपका भाई से, भ्रातरम भ्रातरम का अर्थ होता है भाई को, द्विक्षत अर्थ है आपका द्वेष करें। यहाँ पर आपकी सूक्ति का जो अर्थ है वह आपका है भाई से भाई को द्वेष नहीं करना चाहिए या भाई भाई से द्वेष ना करे। आपके इस सूक्ति का जो भावार्थ है वह भी आप समझ लीजिए। जनेषु भ्रातृभावः भवेत् ना तु द्वेषः। जनेषु का अर्थ है लोगों में, भ्रातृभावः भाई चारे का, भवेत् माने होना
चाहिए ना तो द्वेषा, ना माने नहीं तो माने तो द्वेषा द्वेष, लोगों में भाईचारा होना चाहिए ना तो द्वेष, केना अपि सह ईर्ष्याम मा कुरुत, केनापि सह का अर्थ है किसी से भी या किसी के भी साथ ईर्ष्या मा कुरुत, ईर्ष्या मत करो, परस्परम मिलित्वा वसेयु, परस्परम का अर्थ है आपस में, मिलित्वा माने मिलकर, वसेयु का अर्थ है रहना चाहिए, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपकी इस वाली सूक्ति का जो भावार्थ इन्होंने दिया है उसका आप अर्थ समझ लीजिए कि लोगों को भाईचारे से रहना चाहिए ना कि द्वेष से, किसी को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए। यह आपकी इस वाली सूक्ति का भावार्थ इन्होंने दिया है। आपकी जो सूक्ति का सामान्य अर्थ है वह आपका है भाई से भाई को कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। आपकी अगली सूक्ति है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। सूक्ति में आए हुए शब्दों का पहले अर्थ जान लीजिए। आलस्यम का अर्थ है आपको आलस्य को ही माने ही मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु, महान का अर्थ है बड़ा, रिपु माने शत्रु। आपकी पंक्ति का जो भाव है वह है आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप अपनी सूक्ति का भावार्थ समझ लीजिए। भावार्थ में आपका अस्माकम शत्रु अस्माकम शरीरे एव अस्ति, अस्माकम माने हमारा, शत्रु अस्माकम शरीरे हमारे, शरीरे माने शरीर में, एव माने ही, अस्ति माने है, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रुः कः, एषा माने यह, शत्रु कः माने कौन। यहाँ पर आपका प्रश्न उन्होंने पूछा है कि यह शत्रु कौन है। आलस्यम, यहाँ पर उत्तर दिया है कि आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्यम एव कहने का अर्थ है कि आलस्य ही वस्तुतः, वस्तुतः का अर्थ है कि वास्तव में, अस्माकं शत्रु अस्ति हमारा शत्रु है, अतः आलस्यम मा कुरुत, अतः माने इसलिए, आलस्यम आलस्य को, मा माने मत, कुरुत माने करो। आपके इस वाली सूक्ति का जो भावार्थ है वह आपका है हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है, यह शत्रु कौन है। इसका उत्तर इन्होंने दिया है यह शत्रु आलस्य है, आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है, इसलिए आलस्य मत करो। यह आपकी इस सूक्ति का भावार्थ इन्होंने दिया है। सामान्य जो आपका अर्थ है वह आपकी सूक्ति का केवल इतना ही है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आपकी अगली सूक्ति है शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। आप पहले अपनी सूक्ति में आए हुए शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। शरीरम का अर्थ होता है आपका शरीर, अद्यम माने आज, खलु माने निश्चित ही, धर्म साधनम धर्म का साधन है। आप पहले अपनी इस वाली सूक्ति का भावार्थ समझ लीजिए, उसके बाद ही आप अपने इस सूक्ति का अर्थ समझ पाएंगे। आपकी सूक्ति का भावार्थ है वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। वयम माने हम सब, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, शरीरेण एव शरीर के द्वारा ही, कुर्मः माने करते हैं, हम सभी कार्य शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखं साधनम् अस्ति। शरीरम एव शरीर ही, अस्माकं माने हमारे, सर्वेषाम एव सभी, कर्तव्यानां कर्तव्यों का, प्रमुखं साधनम मुख्य साधन, अस्ति माने है, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का मुख्य साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति।
धर्मस्य पालनस्य का अर्थ है कि धर्म का पालन का भी साधन अवस्थी साधन है, जो यदि हम धर्म का कोई पालन करते हैं तो वह भी हम शरीर के द्वारा ही करते हैं, इसलिए शरीर को धर्म के पालन का साधन भी कहा गया है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थः भवेयुः। अतः माने इसलिए, शरीरेण शरीरेण का अर्थ है शरीर से, सदा हमेशा स्वस्थः स्वस्थ भवेयुः हो, इसलिए हमें हमेशा शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। आपकी इस पंक्ति का जो भावार्थ इन्होंने दिया है वह आपका है, हम सब सभी कार्य शरीर के द्वारा ही करते हैं, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का मुख्य साधन है, शरीर ही हमारे धर्म के पालन का साधन है, इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ होना चाहिए या हमेशा शरीर से स्वस्थ हो। इस प्रकार आपकी सूक्ति का अर्थ है कि आज हमारा शरीर ही सबसे बड़ा धर्म का साधन है, क्योंकि आपके धर्म के जो साधन होते हैं वह आपका अन्न धन और शरीर होता है, लेकिन आज का समय जो है, यदि आप अपना शरीर से कोई भी कार्य करते हैं तो वह आपका शरीर ही धर्म का साधन कहा गया है। आपकी अगली सूक्ति है, ना धर्म वृद्धेषु वया शमीक्षते। आपकी जो सूक्ति में आए हुए शब्द हैं उनका अर्थ है ना माने नहीं, धर्म वृद्धेषु कि जो धर्म की वृद्धि करते हैं, वय वय का अर्थ है आपका आयु, समीक्षते समीक्षा करना या गणना करना। आपकी पंक्ति का जो सामान्य भाव है वह आपका है, जो धर्म की वृद्धि करते हैं उनकी आयु की समीक्षा नहीं करते या हम उनकी आयु नहीं देखते। आपकी इस पंक्ति का भावार्थ है, ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धः सन्ति तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य सत्ते एव महत्त्वं भवति। ये माने जो ज्ञानिनः ज्ञानवान सन्ति माने है, गुणिनः सन्ति गुणवान है, कर्तव्य पालने च और कर्तव्य पालन में सिद्धः सन्ति सिद्ध है, तेषां ज्ञानस्य उनके ज्ञान की, गुणानाम कर्तव्य पालनस्य सक्ते एव महत्तम भवति। गुणानाम का अर्थ है गुणों का, कर्तव्य पालनस्य कर्तव्य पालन का, सत्ते सत्य का अर्थ है शक्ति एव माने ही महत्तम भवति, उनके ज्ञान की गुणों की और कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। ते यदि बाला अपि भवन्ति तथापि पूजा योग्यः सम्मान योग्यः च सन्ति। ते माने वे सब, यदि माने यदि, बालाः अपि बालक भी, भवन्ति माने होते हैं, तथापि तब भी, पूजा योग्यः पूजा योग्य, सम्मान योग्यः च और सम्मान योग्य सन्ति माने है, वह यदि बालक भी होते हैं तो भी वह पूजनीय और सम्माननीय है। आपके इस वाली सूक्ति का जो भावार्थ है, जो ज्ञानी होते हैं, जो गुणवान होते हैं और कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, उन सभी के ज्ञान का, गुण का और कर्तव्य पालन की ही शक्ति को ही महत्व देते हैं। यदि वे आपके बालक भी होते हैं तब भी वह पूजनीय और सम्माननीय ही है। यहाँ पर आपके इस वाली सूक्ति का जो कहने का अर्थ है वह आपका है कि यदि बालक या आयु में छोटा बालक भी आपके धर्म की वृद्धि के लिए कोई कार्य कर रहा है तो हम उसकी आयु को नहीं देखेंगे, उसको हम सम्मान ही देंगे, क्योंकि वह धर्म की वृद्धि कर रहे हैं, उसकी वहाँ पर आयु की समीक्षा नहीं की जा सकती, हम उनको सम्मान ही देंगे। आपकी इस पाठ की अंतिम सूक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपके जो इस सूक्ति में आए हुए शब्द हैं उनका अर्थ है सर्वे माने सभी, भवन्तु माने होवे, सुखिनः सुखी। आपकी जो सूक्ति का सामान्य अर्थ है वह आपका है सभी सुखी होवे।
भावार्थक का है, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयु इति एव अस्माकम् इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे का अर्थ है इस संसार में सर्वे माने सभी, सुखम प्राप्नुयु सुख को प्राप्नुयु का अर्थ है प्राप्त करें, इति माने इस प्रकार, एव माने ही, अस्माकम् इच्छा अस्ति, अस्माकम् माने हमारी इच्छा अस्ति, इच्छा है, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, इस प्रकार ही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न भवेत्, दुखी नहीं हो। सर्वे सुखयुक्तः भवेयु, सभी सुखयुक्त हो। आपकी इस वाली युक्ति का भावार्थ है कि इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, इस प्रकार हमारी इच्छा है, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, सभी सुख से पूर्ण होवे। आपकी सुक्ति का जो सामान्य अर्थ है वह आपका है कि इस संसार में सभी सुखी होवे। यह आपकी इस सुक्ति का भाव है। यहाँ पर आपके छठे पाठ में आई हुई जो आपकी मधुराणी वचनानी है वह पूर्ण होते हैं। आपकी ये सुक्तियाँ हैं, यह आपको दो या तीन बार आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यह आपके इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थ हैं। आप इनको याद कर लीजिए जिससे आप अपने पाठ को और अच्छे से समझ सके, और जो मैंने आपके सभी शब्दों के अर्थ समझाए हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आपके इस पाठ के अभ्यास कार्य की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।